कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गई तो फिर तो रंगों के बरका खुशबू की आंधियां महकी हुई सी अब सारी फिजाएं महकी हुई सी अब सारी हवाएं कोई हुई सी अब सारी दिशाएं बदली हुई सी अब सारी अदाएं जागी उमंगे धड़के रहा दिल सांसों में तूफान ऑटो बनक मैं आंखों में सपना सपना में भी डूल कर गुलाम है जब कोई आए नजरों पे छाए का दिल में समाए कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा उसे पाया था प्यार से चेहरे गिरी से जुल्फों तो ऐसा लगता था जैसे कोहरे के पीछे आंस में डालो वो फूल की लय जैसे बादल में एक चांद जो पाए और जाग रहा जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा है रोशन रोशन आंखों में सपनों का सागर जिसमें प्रेम सितारों की चादर जैसे झलक रही है लहरो लहरो बात करे वो जैसे मोती बरसे जैसे कई चांद के पायल गूंज जैसे कई शीश की जाम गिरे और जन से डूटे जैसे कोई छिपे के सितारे बजा जैसे कोई चांदनी रात में गाए जैसे कोई हाल बात बुलाए किसी मेरे बात थी वह कैसे मुलाकात थे वो जब मैंने जान तब मुझे गे की भी कह दिया और आर दबा दिए कैसे मंज और कैसे उतर गए जान जमीन बस कभी लगता है स्वर्ग करे तो बस मैं ही पर उसने बताया मुझे और समझाया मुझे हम जो मिले हमें ऐसे ही मिलना था कुल सुखिले उन्हें ऐसे ही गिनना था जन्मों के बंद जन्मों के रिश्ते जब हम जन्मे तो हम यूँ ही मिलते खान में मेरे जैसे शहर से गुलने खाब के बरसे से आँखों में गुलने खाब की दुनिया भी कितनी अच्छी और कैसे रंगी थी खाब की दुनिया जो कहने को थी कर गई भी नहीं थी खाब जो टूटी मेरी आँख जो गुल में होश जो आया मुझे मैंने देखा मैंने जा मुझे कभी आया था नजरों में जाया दिल में समाया था जाब चुकाया और दिल में रहा अब तनहा तनहा वो तो कोई अरमान ना कोई तमन्ना और ना कोई सपना है अब जो मेरे दिन और अब जो मेरी रातें हूँ मैं सिर्फ आंसू के हूँ मैं सब दर्द की रंज के बातें और फरियादे मेरा अब कोई नहीं मैं और कोई कोई प्यार की याद मैं और कोई कोई प्यार की याद मैं और कोई कोई प्यार की याद मैं इस गाने में आपको पता है कितने हिंदी के वर्ड्स होंगे कितने इस लड़के को हिंदी लैंग्वेज जाकिर नहीं आती और ये ब्रेथलेस सॉन्ग है लगा ही नहीं बिल्कुल भी क्या बात है भाई शुरू में थोड़ा मुझे लगा कि ये बच्चा क्यूट है छोटा है सब लोग इसको गोद में उठा रहे पर अभी परफॉर्मेंस देखी तो मुझे लगा तो सर पे बिठाने लायक अविर्भव तुम कैसे कर लेते हो बोली बाबा अभी ये सब पढ़ के वैसे आप इंग्लिश में लिखते हो ये हिंदी जो नहीं 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 मैं ये जो इंग्लिश में लिखे और उसमें देख के गाना करके बाकी सब हो जाएगा जाएगा फिर तब मैंने भी वही बोला कहते आप इंग्लिश में लिखते हो नहीं 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 मैं पहले इंग्लिश में लिखता है अरे गर्दा उड़ा दी अविर्भव आपने भूकंप मचा दिया मुझे विनर बनाने के लिए डाउनलोड या अपडेट कीजिए सोनेली वाक फोटेलेंस को लिए 8:30 तक सो प्लीज वोट नाउ बताइए कौन सा वो भूकंप है जिसे आप उसके वर्ल्ड फेमस गुस्से के लिए मिस करेंगे जिसकी नाक पर मक्खी कभी बैठ नहीं सकती क्योंकि उसकी नाक पर ऑलरेडी 20 किलो गुस्सा बैठा होता है
पर जब वो गाती है तो देश के किसी भी कोने में कोई भी नाराज बैठा हो, अच्छे अच्छे की नाराजगी छूमंतर हो जाती है। नाराजगी के साथ साथ क्यूटनेस की भी प्रतिमा फाइनलिस्ट पीहू शर्मा फ्रॉम टीम अरनिता। पीहू बचपन से ही छोटी छोटी बातों पे नाराज होती है। जब उसे ऑडिशन के लिए जाना था तो मैंने उसे बहुत समझाया था कि बेटा अब आप स्टेज पे जा रहे हो, अभी आपको किसी को भी कुछ भी ऐसा नहीं कहना है कि किसी को बुरा लगे। उसने हाँ कहा, और लेकिन जब वो स्टेज पर गई तो उसकी चाल को देखकर मैं समझ गई कि ये करेगी वही जो इसका मन करेगा। ये कब हुआ? ये मेरा दांत टूट गया। पवनदीप भी ऐसे नाराज होना है। आप क्यों मुझसे नाराज हो गए? क्योंकि मेरे को होना है। लेकिन जब उसने गाना गाया और वो इतना अच्छा लगा सबको, तब जाके कहीं मेरे मन को थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ, थोड़ी शांति मिली कि नहीं, इसमें टैलेंट तो बहुत है पर थोड़ी सी नटखट है। बाबू, जो आप नाराज होने में ज्यादा टाइम लगाती हैं, थोड़ा कम टाइम लगाएं। जो भी गाने सीख रहे हो उन पे और कंसंट्रेशन और अच्छे से करो। एक ह्यूज इम्प्रूवमेंट अगर मैं आज देख रही हूँ किसी बच्चे में तो वो आया है पीहू में। मैं इसका सारा क्रेडिट अपनी बहन को देती हूँ। वाओ।